कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, बस उसका समाधान, उसका इलाज मंत्रां दे राही हुंदा सी। ए काल, ए दौर बहुत लंबे समय तक रहा है और चूंकि रोग अनेकां ने, अनेकां तरह की पीड़ा है, अनेकां तरह के कल कलेश ने, एक एक व्यक्ति हजारां तरह की पीड़ा दी पंड चुकी फिरदा है। तो एक दौर ऐसा चलिया, मांदरी अगे आए, मंत्री अगे आए, मंत्रां नाल उपचार करते रहे, चाहे अख दुखदी है, चाहे दाड़ दा दुखना है, चाहे पेट दा दर्द है, चाहे तरह तरह रोग बीमारियां ने, या कुछ घरेलू कल कलेश है, इन्हों दा इलाज मंत्रां नाल हुंदा रहा है। और वख वख मंत्रां दे अपने अपने नाम सन। बिच्छू दे डंग दा मंत्र, सप देवी डंग दा मंत्र, ओ जो मंत्र सप दी जहर उतार देंदा सी ते सप नू बेहोश कर देंदा सी, उस मंत्र दा नां है गौरड़ी मंत्र, जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच कर रहे हैं। अनंत काल तो साडे देश दे सपेरे और कुछ होर सियाणे इस मंत्र दी वाकफियत रखदे आए ने, और इस मंत्र दे जाप दे नाल ओ सब पकड़दे रहे ने, और उन्हां दा अज वी ऐसा कहना है कि साडा मंत्र एक साल तक ही कम करदा है, खास करके फनियर नाल उस नूं असीं साल तो बाद छोड़ देंदे हां, और छोड़दे होए ये देखे गए ने। तो एक गल स्पष्ट है कि मंत्रां दी अपनी महिमा, गुंजार पा के जद कोई मंत्र दा जाप करदा है, उस दे नाल जो तरंगां बनदियां ने, उस दे नाल जो वाइब्रेशन बनदी है, मनुख दा अपना हिरदा ते अंदोलित हुंदा है, पर उस मंत्र दी, उस तरंग दी लपेट दे जेड़ा जेड़ा आवेगा वह भी अंदोलित होवेगा, वह भी प्रभावित होवेगा, वह भी प्रभावित होए बिना रह नहीं सकेगा। अज भी देखण दे चाहिया है बहुत भिक्षु कठे बैठ के मंत्र दा जाप करदे ने, अज भी गुरु घर विच परंपरा बनी हुई है, कठे बैठ के कीर्तन करो और गुंजार पा के कीर्तन करो, उस नाल जो तरंगा बनणगियां हिरदे दी यकसोई दा बायस बनणगियां, मन नूं एकागर करणगियां, आनंद प्रदान करणगियां। ते हिरदा एकागर हो जाए, मन यकसू हो जाए, अनेकां रोग अपने आप रुखसत हो जांदे ने, क्योंकि बेशतर रोग, बहुत सारे रोग शरीरक ना होके मानसिक ने। तो खैर एक दौर ऐसा लंघे है जद अजे मनुख नूं जड़ी बूटियां दा ज्ञान नहीं सी, अजे आयुर्वेदिक आलमे वजूद विच नहीं आई सी, अजे यूनानी तिब सामने नहीं प्रगट होया सी। तो इन्हां पश्चिमी देशां विच वी ते यूरोप दी दुनिया विच वी मंत्रां दे राहीं उपचार हुंदा रहा है। सूफी फकीर मंत्रां दे नाल उपचार करदे रहे ने, और अज वी देखण विच ऐसा आउंदा है। अफगानिस्तान दा इलाका, पठानिस्तान दे इलाके च अज वी सप ते बिच्छू दे दर्द नूं मंत्रां दे नाल उपचार कीता जांदा है, दूर करन दी कोशिश कीती जांदी है। साडे देश दे च वी अज वी दाड़ दा दर्द, कन्नां दे दर्द, गले पै जाना, टॉन्सिल इत्यादिक, इन्हां नूं अपने अपने ढंग दे मंत्रां दे जाप नाल दूर करन दी जो है कोशिश कीती जांदी है। इह गल वखरी है कि मंत्रां दे उचारण करन वाले च अज ओह शक्ति नहीं, जैसे दवाइयां ते बहुत अच्छियां आवन पर हकीम सियाणा ना होवे, नवस दी पहचान ना होवे, रोग नूं समझ ना सके, रोग दा कारण वी ओह ना जाणदा होवे, ते चंगियां तो चंगियां दवाइयां भी की करनगियां, ओह किवें देवेगा, किस मिकदार विच देवेगा। इस तरीके नाल मंत्रां दी ते अपनी महानता सी, पर जपण वाला हिरदा ना होवे, रसना ना होवे, उतना उत्साह ना होवे, उमंग ना होवे, श्रद्धा ना होवे, तो उत्थे फिर मंत्र खाली रह जांदे ने और अपना वो पूरा कम करन विच असमर्थ हो जांदे ने। मंत्रां विचों सिरमौर मंत्र है परमात्मा दा नाम, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, हे प्रभु तेरा नाम मंत्रां विचों
सिरमौर मंत्र है, जंत्रां विचों सिरमौर जंत्र है। कोई भी मंत्र एक रोग नू दूर करेगा, पर हे प्रभु तेरा नाम मंत्र ऐसा है सारे रोगों नू दूर कर देता है। सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने संसार दे सारे रोगों का इलाज प्रभु दा नाम है। नाम हिरदे च वस गया है, परम आनंदित मनुख किसे नू दुखी नहीं करेगा, पीड़ित नहीं करेगा। बहुत सारे समाजिक मसले अपने आप हल हो जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक बिखेड़े अपने आप हल हो जाते हैं, और अनेक शरीरक रोग शरीर दे चों निकल जाते हैं। मन दे स्वस्थ होंदे हां, चारों पासे जो वातावरण बनता है वह स्वस्थ बनता है, तंदुरुस्त बनता है, महान बनता है। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, दसन बिहोन भयंगन मंत्रं गारुड़ी निवारण। जैसे सपेरा गारुड़ी मंत्र दा जाप करके सप नू दंदा तो बिना कर देंदा है, दसन बिहोन दंदा तो बिना कर देंदा है, और सप दी जहर उतार देंदा है। इस मंत्र दा नाम गारुड़ी मंत्र। एक उदाहरण, ब्याद उपारण संतन नानक लबद करमणे, विरले ही संत जन ऐसे ने जो परमात्मा दे नाम मंत्र दा जाप करके अपने जीवन विचों विकारां दी जहर कढ देंदे ने, जिंदगी विचों सारी जहर नू निकाल के परे सुट देंदे ने। जीवन विच जहर की है? जीवन विच क्रोध एक जहर है, लोभ एक जहर है, अहंकार एक जहर है, मोह एक जहर है, काम सीमा तो वधे होया जहर है। अति क्रोधी अति कामी अति हंकारी मनुख अति जहरीला होंदा है, अति जहरीला। उदी दृष्टि विच भी जहर टपकेगी, उदे बोलां विच भी जहर प्रगट होवेगा, उदे उठदियां बैठदियां जिहड़ियां तरंगां भी उसदे शरीर चों निकलणगियां वातावरण नूं दूषित करनगियां, अपवित्र करनगियां, क्योंकि जहरीला है। प्रभु मंत्र दे जाप नाल ए जहर अमृत बन जाती है। मैलागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। जहर ते अमृत दी कोई बहुत वड्डी दूरी नहीं है, पड़ोसी ने निकटवर्ती ने। हो गुजरिया इस सदी दा बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक उर्दू दा शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो कहिंदा है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इति पीण दा ढंग है। अगर किसी नू पीण दा ढंग आ गया तो अमृत है, ते जे पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, ए नादां जो जहर हलाहल है संख्या है ये अमृत है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे को पीण दा ढंग होना चाहिए। जीवन दा ढंग होवे जिंदगी अमृत है, पर जीवन दा ढंग नहीं तो जीवन जहर है। वर्तन दा ढंग होवे तो पदार्थ अमृत ने, पर वर्तन दा ढंग नहीं तो पदार्थ भी जहर ने। रहन दा ढंग होवे तो परिवार अमृत है, पर रहन ते सहन दा ढंग नहीं आया तो परिवार भी जहर बन सकता है, संसार भी जो है जहर बन सकता है। गल सारी है ढंग दी, युक्ति दी। जैसे गन्ने विच प्रभु ने बड़ा रस पाया है, मिठा अंगूरां विच स्वाद है, रस है, संतरा मिठा है, पर इनू त्रका के शराब बनाई जा सकती है, तो शराब ते कौड़ी है, मिठा कौड़ा हो गया, मिठा कुड़त्तन विच तब्दील हो गया। तो जे मिठा कौड़ा हो सकता है तो कौड़े नू मिठा भी कीता जा सकता है। संख्या अति कौड़ा अति कौड़ा, पर वैद लोग मार के जद उसनू कुश्ता बना लेंदे ने तो बड़ा कारामद हो जाता है।
सप दी जहर दियां भी दवाइयां बनदियां ने और अनेकां रोगां विच उन्हां दा उपचार हुंदा है। ते जहर दवाई बन गई है, ढंग होवे। अगर ढंग नहीं तो दवाई भी जहर बन जाएगी। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इति पीन दा ढंग है जिसनू आ जाए अमृत है, जिनू ढंग नहीं आया तो जहर है।